कैसे हो? उम्मीद है ठीक होंगे। तो आज हम सालन बना रहे हैं पोटों का। तो पहले हमने इनको अच्छे से धो लिया है, इसकी चर्बी हटा दी है सारी, और नमक लगा के तकरीबन आधा घंटा हमने रखी है। अब हम इसको नींबू लगा के खूब मस लेंगे और फिर धोएंगे। तो चलो करते हैं शुरू। तो गाइस, नमक और नींबू लगाने से इसकी जो स्मेल होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है और दूसरे गोश्त की तरह बहुत टेस्टी बनती है। तो हम मसलेंगे। अभी नींबू लगा लिया है हमने, अभी हम इसको मसल के इसका गंदा पानी जो है वो निकाल देंगे। हमने चर्बी टोटली हटा दी है, चर्बी इस पे नहीं अच्छी लगती क्योंकि उसमें कचरा होता है। ये देखें, बिल्कुल हमने साफ की है, इसकी चर्बी का फायदा भी नहीं होता। तो मेरे बहन भाइयों, हम बड़ी मेहनत करते हैं, तो आपकी मदद की ज़रूरत है, आप ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। तो देखें, नमक और नींबू लगा के मलने से इसका जो स्मेल वाला पानी है ना, वो सारा निकल आया है। ये देखें, ये गंदा पानी निकल आया है। अब हम इसको धो लेंगे। तो हमने इसको अच्छे से धो लिया नींबू और नमक लगा के। अभी हम इसके दो दो पीस करेंगे। तो ये करते हैं दरमियान से करने भाई। अभी फिर इसको दोबारा से फिर धोते हैं, दो तीन पानी में धोएंगे ताकि अच्छे से जो भी स्मेल वगैरह और भी है वो भी निकल जाए। तो चूल्हा हमने जला लिया है और पोटे हमने धो के पतीली में डाल ली है। ये देखें, तो अभी हम इसमें मसाला डालते हैं। ये हमने प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची, टमाटर, इसको हमने पीस लिया है। ये हम इसमें डाल देंगे। ये बड़ी आसान है बनानी, आप भी बना के देखें। थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे, आधा कप हम पानी डाल देंगे इसमें। अब हम इसको ढक देंगे, पकने के लिए छोड़ देंगे। तो पानी हमारा खुश्क हो चुका है, अभी हम इसमें ऑयल डालते हैं। तो ये गाइस खुश्क मसाले हैं, नमक है, मिर्ची है, हल्दी है, धनिया पाउडर है, ये डाल देंगे इसमें। तो इसको खूब पकाएंगे इसमें। तो सालन हमारा बन चुका है, अभी हम इसमें पानी डाल देते हैं। जितनी ग्रेवी रखनी है उतना हम पानी डालेंगे, अगर नहीं रखनी ग्रेवी तो ऐसे भी सही है।
तो सालन हमारा तैयार हो चुका है, अब हम डिश आउट करते हैं। तो गाइज ये आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। खुदा हाफिज़।